नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और टेकबर्ड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे 2019 में रेलवे आरपीएफ की तरफ से जो भी वैकेंसीज जो आने वाले थे, बट किसी कारणवश के वजह से वो वैकेंसीज आ नहीं पाए, ठीक है। और अभी का जो सिचुएशन है वो लॉकडाउन है, और इसकी वजह से जो रेलवे है वो वैकेंसीज पूरी तरह से अभी नहीं निकाल पाई है। ओके, तो अभी ऐसा सिचुएशन है कि वैकेंसीज आने का चांस है, लेकिन वो अगले महीने से स्टार्ट हो सकता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से पद के लिए आप लोग के लिए एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, और जितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ आपको देखने मिलेंगे वो आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो पोस्ट रहेगा वो कांस्टेबल रहेगा और एसआई का रहेगा। जो 10th पास जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो सब इंस्पेक्टर हैं उसके लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य होता है। जो फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स या कोई भी डिवीज़न मार्क्स वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। और जो वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे जो आने वाले हैं 9739 वैकेंसीज रहेंगे, और जो अप्लाई मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। और अप्लाई करने का लगभग समय आप लोग के लिए यहाँ पे निर्धारित किया गया है रेलवे के द्वारा, लगभग 30 जून तक यहाँ पर आप लोग का अप्लाई करना आप लोग शुरू कर सकते हो। ओके, और जो कैटेगरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगा, और लोकेशन कोई भी लोकेशन इंडिया में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर जो भी सिलेबस है, तो सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ना होगा, उस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर पूरा आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, तभी जाके आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिलेबस में आप लोग को क्या क्या रहेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो एग्ज़ाम जो सीबीटी कंडक्ट करा जाएगा वो 15 लैंग्वेज में आप लोग का रहेगा, और जिसके अंदर जो मैन रहेंगे वुमेन रहेंगे वो दोनों के लिए यहाँ पे पद दिया जाएगा। और जो अप्लाई जो लैंग्वेज रहेगा वो 15 लैंग्वेज में आप लोग का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ओके, तो जो अगला मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस जो इसका CBT 1 के लिए जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे अर्थमेटिक, जो कि 35 नंबर का यहाँ पे आप लोग का अर्थमेटिक देखने मिलेगा। जनरल अवेयरनेस लाइक GK हो गया, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस हो गया, और जो करंट अफेयर्स हो गया, इसके अंदर समावेश रहेगा, इसी के अंदर रहेगा सब कुछ। तो लगभग वो 50 नंबर का आप लोग को एग्ज़ाम में देखने मिलेगा। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आप लोग को लगभग 35 नंबर का ये देखने मिलेगा, और टोटल जो मार्क्स रहेगा वो फर्स्ट फेज़ में वो 120 नंबर का यहाँ पे देखने मिलेगा। ओके, और जो कि समय इसका निर्धारित है 90 मिनट, मैक्सिमम टाइम आपको 90 मिनट रहेगा, और 120 नंबर का आप लोग को एग्ज़ाम निकालना रहेगा। तो ये बड़ी आसानी तरीके से आप लोग ये निकाल लोगे, थोड़ी बहुत मेहनत की बहुत ही ज़रूरत है, और काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। और देखिए, सबसे जो टफ़ होता है वो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसके अंदर आप लोग का फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, रनिंग होता है, तरह तरह के टेस्ट इसमें लिए जाते हैं, और आखिरकार जो लास्ट में होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर आप लोग जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होगा वो आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट एंड ऑल टाइप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिखाने होंगे यहाँ पर, तभी जाके आप लोग का यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये एग्ज़ाम का मैं बता दिया आपको जो सिलेबस है। ओके, और जो नेगेटिव मार्क्स जो आप लोग का जो काट लिया जाएगा वो 1 गलत पे 1 मार्क्स यहाँ पे आप लोग का काटा जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 120 रहेंगे, और टाइम रहेगा 90 मिनट का एग्ज़ाम आपका, ठीक है। तो इतना आप लोग को जानकारी मिल चुकी है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आप लोग को यहाँ पे पूरी तरह से कंटेस्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाना है, जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाओगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए निकालने एग्ज़ाम क्रैक करने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना आप लोग तैयारी कीजिए, और साथ ही साथ जो फिज़िकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उसके लिए आप लोग रनिंग करना आप लोग शुरू कर दीजिएगा। रनिंग हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, तो इस तरह से जंप होगा वो लोग उसका आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आखिरी जो डॉक्यूमेंट आपका रहेगा वो आप पूरी तरह से रेडी कर लीजिएगा, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, अगला नंबर आप ही का हो सिलेक्शन में। तो इसके लिए हम लोग खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और जो प्रीवियस 10 साल के जो भी क्वेश्चन होंगे RPF के वो आप ज़्यादातर आप लगाने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो आप बुक खरीद लीजिए जो 10 साल का जो
प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आरपीएफ के। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरपीएफ का ही आप लोग 10 साल का प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप तरह तरह के जैसे एनटीपीसी हो गया, रेलवे जूनियर इंजीनियर हो गया, उसके बाद ग्रुप डी हो गया, उसमें से जितना भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप लोग को मिक्स्ड करके भी आप लोग को आरपीएफ में देखने मिल सकता है। तो आरपीएफ का जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि जो रेलवे जेई का जो एग्ज़ाम होता है उसके जैसा टफ होता है, बट बहुत ही आसान होता है। लेकिन जो यहाँ पे कट ऑफ जाते हैं वो काफ़ी हाई जाते हैं, तो उस लेवल में आप लोग का प्रिपेरेशन भी हाई होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोई भी मौका आप लोग नहीं छोड़िए, आप पूरी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जितना भी हो सके एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और तरह तरह के जो भी रेलवे की तरफ से जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका आप लोग इसके अंदर मिक्स करके आप लोग तैयारी कीजिए। जिस तरह से जितना हो सके एमसीक्यूज आप लोग तैयारी कीजिए, तभी जाके आप लोग का एग्ज़ाम क्रैक होने का पूरी तरह से चांस हो जाता है। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कौन से जो आप लोग के सिलेबस में आएगा, एनालॉजीज होगा, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस होगा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग जजमेंट स्टेटमेंट कंक्लूजन। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो भी आप लोग का जो रीजनिंग में आता है वो स्टेटमेंट कंक्लूजन ज़्यादा मार्क्स की यहाँ पे आप लोग को देखने मिलते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये इस पर ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा। उसके बाद सिलोजिज्म जो होता है ना वो आप लोग को सेकेंड नंबर पर जो होता है, जो हाई वेटेज होता है एग्ज़ाम का, आप लोग को यही देखने मिलेगा। सबसे पहले आपको ये मिलेगा स्टेटमेंट कंक्लूजन, उसके बाद जो अगला आपको देखने मिलेगा सिलोजिज्म, ये आप लोगों को देखने मिलेगा एग्ज़ाम में ज़्यादातर। तो आप लोग इसका तैयारी आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और जो अगला तीसरा नंबर होगा वो अर्थमेटिक नंबर सीरीज़, ये सब में आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए। और जितना हो सके वो आप इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितना भी जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन है, खासकर आप लोग करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिए, तभी जाके आप लोग को जनरल पूरी तरह से अवेयर हो जाओगे और पूरी तरह से आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जो भी एप्टीट्यूड जो होगा आपका एग्ज़ाम में, जो भी मैथमेटिक्स होगा वो नंबर सीरीज, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लोग तैयारी कीजिए। जो नंबर सिस्टम यहाँ पे हो गया उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके बाद होल नंबर हो गया उस पर कीजिए, परसेंटेज पे ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी आप उसमें तैयारी कीजिए। उसके बाद एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, खासकर ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को देखने मिलेंगे और टाइम एंड डिस्टेंस ज़्यादा मिलता है देखने को। तो इस तरह से मैंने आपको जितना बता दिया आप उतना तैयारी कर लीजिए, तो 100% आप लोग का एग्ज़ाम पूरी तरह से निकल जाएगा। और इसी तरह से आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मेरी तरफ़ से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग एग्ज़ाम निकालिए। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पूरी तरह से सफलता मिले। आप लोग मेरी तरफ़ से आपको मनोकामनाएं आप लोग की पूरी हो जाए और एग्ज़ाम हमेशा आप लोग का निकलते रहे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे गाइस। तो नीचे आप लोग को रेड बटन देखने मिलेगा सब्सक्राइब का, वहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे आप लोग को नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिलने लगेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।